हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर चैनल एनएस नॉलेज एजुकेशन ऑफिशियल। दोस्तों, हम अपने आज के इस टेली ईआरपी 9 के वीडियो में जानने वाले हैं कुछ ऐसे शॉर्टकट कीज फ्रेंड्स, जिनको यूज करेंगे हम हमारे काम को करते समय। दोस्तों, ये कैसे यूज होंगे? अगर दोस्तों आप किसी का भी लेजर वेरिफिकेशन कर रहे हो, यानी के फ्रेंड आपने किसी पार्टी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैनेज किया, लेजर में आपने उसको सारी चीजें देखी और आपके पास एक और लेजर आया है सामने से, जिसको आपको क्रॉस चेक करना है कि अगर आपने सेल किया तो सामने वाले ने परचेस किया है। तो दोस्तों, इन शॉर्टकट किसको आप लेजर वेरिफिकेशन के लिए, लेजर रिकंसिलेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, जब आप बैंक रिकंसिलेशन करते हो तो उसमें भी आप देखोगे कि आपको एंट्रीज को, जिस एंट्री को आपने सेलेक्ट कर लिया, चेक कर लिया, अगर आपको उसको रिमूव करना हुआ, तो ऐसे डिफरेंट और जो शॉर्टकट कीज है जिनको आप इसको करते समय कर सकते हो। या फिर अगर और भी कुछ काम पड़े, कुछ सिलेक्शन का काम पड़ा, कुछ सेल्स रजिस्टर में वेरिफिकेशन का काम पड़ा, तो भी फ्रेंड्स हम इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स, कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों ये आप ही का चैनल है। मैं कोशिश करता हूँ, मेहनत करता हूँ ताकि आप तक आपके काम के लिए कुछ ना कुछ वीडियोस बनाकर अपलोड कर सकूँ, ताकि आपके काम में और भी आसानी हो सके। जितनी नॉलेज मुझे मिल सके, मैं उसके बेस पर वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए फ्रेंड्स, इससे और अधिक वीडियो जाती है, शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नाउ फ्रेंड्स, हम सबसे पहले यहां पर चलते हैं डिस्प्ले में, अकाउंट्स बुक में, सेल रजिस्टर में, जहां पर पूरा सेल का रजिस्टर होता है। हॉल्ट टू से हम सारी डेट्स को स्किप करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि हमने यहाँ पर सारा का सारा रजिस्टर ही ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए कुछ एंट्रीज यहाँ पर कर रखी है, लेकिन आपके पास बहुत सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज होंगे ना। दोस्तों, अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ शॉर्टकट कीज हमें नजर आ रहे हैं, कुछ बहुत ही कलरिंग में टैली सॉफ्टवेयर ने हमें ये प्रोवाइड किया है ताकि हम इसको इजिली समझ सके। जैसे कि मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था फ्रेंड्स आपको, कि यहाँ जो स्पेस दिखता है दोस्तों, उसके नीचे जो आपको डबल बार दिखता है, इसके लिए आपको फ्रेंड्स कंट्रोल यूज करना है। अगर आपको यहां पर कोई बार नहीं दिखता, तो इसके लिए दोस्तों आपको डायरेक्टली जो यहां पर मेन एक्शन बताया है सेलेक्ट करना है, तो आप डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हो। यहां पर आप देखोगे दोस्तों, रिमूव लाइन में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आर के नीचे एक सिंगल बार है। सिंगल बार के लिए दोस्तों हम यहां पर सिर्फ ऑल्ट यूज करते हैं। अभी हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। नंबर वन दोस्तों, जो यहाँ पर शॉर्टकट है वो है स्पेस का, यानी कि सेलेक्ट ऑल। अगर हमें दोस्तों यहाँ पर सभी एंट्री को सेलेक्ट करनी हुई, एक एक को सेलेक्ट नहीं करना हुआ, मान लीजिए कि हमको डिलीट ही करना है, तो हम इसको एक साथ सेलेक्ट कर दिए, तो हम इसको कैसे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं? कंट्रोल के साथ स्पेस को दोस्तों हम ऐसे प्रेस करेंगे, ऑल डी को जैसे ही ऐसे प्रेस करेंगे तो ये पूछ रहा है डिलीट सेलेक्टेड, क्या आपको सेलेक्टेड को डिलीट करना है? तो हम इसको अभी नो कहते हैं और एस्केप करके बाहर आ जाते हैं। नाउ फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारा यहाँ पर सेकेंड शॉर्टकट है, चलिए हम उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। स्पेस यानी कि दोस्तों सेलेक्ट, एक एक एंट्री अगर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी पड़ी तो आप कैसे सेलेक्ट करेंगे? आपको सिर्फ स्पेस बार को दबाना है और जिस एंट्री को आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है उसको आप यहाँ से स्पेस बार से सेलेक्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल, अगर मुझे इस तरीके से इसको सेलेक्ट करना हुआ, मान लीजिए कि मुझे मार्केट ट्विंस के सिर्फ लेजर्स को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जो एंट्रीज हमारी यहाँ पर हुई है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मार्केट ट्विंस पर गया, इसको सेलेक्ट किया, और मार्केटिंग ट्विंस है, तो देखिए मार्केट ट्विंस यहाँ पर भी मैंने इसको सेलेक्ट किया। नॉर्मली दोस्तों ये आपके काम में आएगा लेजर में, तो हम चलते हैं लेजर ऑप्शन में, योर सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों ये एक पार्टी है जिसको हमने यहाँ पर कुछ सेल पर कुछ सेल किया है। दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं, मान लीजिए कि सामने वाले का लेजर आया और उसके लेजर में हमें 6,70,208 का जो वैल्यू है वो मिल गया, तो हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें ये मिल गया। इसके बाद दोस्तों हमें मिल गया 10,080 रुपये का जो ट्रांजेक्शन है उसके लेजर में, परचेज में उसने एंट्री किया था, ये भी हमें मिल गया। 5,000 की रिसिप्ट की, यानी कि उसके लिए वो पेमेंट होगा, तो हमें वो भी क्रॉस चेक कर लिया, लेकिन ये जो दो एंट्री है इसके इसमें नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसको चेक कर सकते हो ना। दोस्तों अगर आपको यहां पर से मान लीजिए कि अब उसके लेजर्स में ये दो एंट्री नहीं है, तो आप चाहते हो कि ये जो उसके पास नहीं है सिर्फ वो एंट्री हम उसको दे, यानी कि सिर्फ उसकी प्रिंट आउट हम उसको निकाल कर दे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो एंट्री हमें मिल चुकी है, हम यहां पर एक शॉर्टकट की को यूज करेंगे, ऑल्ट आर।
तो देखिए दोस्तों, जो भी आपने सेलेक्ट किया था वो सारा का सारा रिमूव हो चुका है। अब आप क्या कर सकते हो, सिर्फ इसकी प्रिंट निकालकर योर सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को दे सकते हो कि देखिए आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये दो एंट्री नहीं हुई है। स्किप करते हैं, डिस्प्ले में चलते हैं, अकाउंट्स बुक में चलते हैं, सेल रजिस्टर में चलते हैं, ओपन करते हैं सेल रजिस्टर को। ना दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा, यहाँ पर रिस्टोर लाइन। मतलब क्या है दोस्तों इसका, यानी कि आप जब यहाँ से ऑल्ट आर करके रिमूव करते हो किसी एंट्री को, मान लेते हैं दोस्तों कि हमें ये सेल रजिस्टर में से ये एंट्री को अभी स्केप करनी है 280,000 की एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को, तो हम यहाँ से ऑल्ट आर को यूज करेंगे। मान लेते हैं हमें मार्केट ट्विंस प्राइवेट लिमिटेड में 448,000 की एंट्री को भी रिमूव करना है, तो हम यूज करेंगे ऑल्ट आर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ऑल्ट आर सिंगल बार के साथ है, तो हम यहाँ पर ऑल्ट को यूज करेंगे। मान लेते हैं कि हमें ये 670,000 को भी ऐसे रिमूव करना है, 670,208 को। तो देखिए ये सारी एंट्रीज यहाँ पर रिमूव हो चुकी है। अब अगर हमें ये एंट्रीज वापस चाहिए दोस्तों, तो अगर हमें एक एक करके वापस से चाहिए, यानी कि जैसे आपने पहली एंट्री हटाई, आपको पहले वो चाहिए, फिर उसके बाद जो हटाई वो चाहिए, ऐसे सिस्टमेटिकली चाहिए, तो आप क्या वापस रिस्टोर करने के लिए क्या यूज करेंगे फ्रेंड, ऑल्ट के साथ यू यूज करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर शॉर्टकट की नजर आ रहा है, तो आपको याद करने की भी फ्रेंड जरूरत नहीं है, यहीं पर सारा का सारा शोकेस है, आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं ऑल्ट यू। तो देखिए जैसे जैसे जो जो आपने एंट्रीज हटाई थी वो आ गई, लेकिन अभी आपको, आप नहीं चाहते कि जो एक एक एंट्री है मैं उसको रिस्टोर करूं। मैं चाहता हूं मैंने जितना भी ऑल्ट आर करके एंट्री को हाइड किया है वो एक साथ रिस्टोर हो जाए, तो आप क्या यूज करेंगे, कंट्रोल के साथ आप यू को यूज करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कंट्रोल के साथ यू, तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट की यूज करता हूँ कंट्रोल के साथ यू। तो देखिए दोस्तों एक साथ सारी की सारी एंट्री रिस्टोर हो चुकी है। मान लीजिए कि आपने 100 एंट्री को हाइड कर दिया, अब अगर आप एक एक को करेंगे तो ऑल्टर ऑल्टर ऑल्टर, तो इतनी बार आपको करना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं हमारा काम हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल के साथ यू डायरेक्टली प्रेस करके इसको सारे का सारा रिस्टोर कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है इंसर्ट वाउचर का, यानी कि दोस्तों हम इसको कैसे यूज करेंगे, अगर आप सेल रजिस्टर में हो, परचेस रजिस्टर में, आपको कुछ एंट्री करनी है, तो आप डायरेक्टली ऑल टाइप प्रेस कर दोगे तो आप वाउचर मोड में आ जाओगे, आप यहाँ पर आकर एंट्री को कर सकते हो। ऑलरेडी फ्रेंड्स इनवॉइसेस कैसे बनाते हैं, जीएसटी के एडजस्टमेंट कैसे हम करते हैं, बहुत सारी वीडियोस दोस्तों मैंने कोशिश किया बनाने के लिए और मैंने उसमें कामयाबी हासिल की, और मैंने बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं ताकि आप सभी को आसानी हो। तो प्लीज उन तक इन वीडियोस को जरूर पहुंचाएं जो क्लास वगैरह ऑफर नहीं कर पाते हो, ताकि दोस्तों मेरी मेहनत भी कामयाब हो और वो अच्छा खासा लर्न कर सके और अच्छी से अच्छी उस पर जा सके। दोस्तों स्किप करते हैं नाउ फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारे यहाँ पर शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट के साथ ए एड वॉचर। एड वॉचर का मतलब क्या है फ्रेंड, यहाँ पर कि अगर आप रिसीप पर आपका कर्सर हुआ, अगर आपका पेमेंट का हुआ, आप जहां पर भी हो और वहां पर, मान लीजिए कि अभी मैं सेल पर हूँ, तो मैं यहाँ पर ऑल्ट ए को जैसे दोस्तों ऐसे प्रेस करूंगा तो मैं सेल्स पर आ गया, लेकिन अगर मैं रिसीप पर रहते हुए ऑल्ट ए को प्रेस करता तो मैं रिसीप वॉचर में चले जाता, पेमेंट वॉचर में रहता, पेमेंट की एंट्री पर रहता, और ऑल्ट ए करता तो मैं पेमेंट वॉचर में चले जाता। एग्जाम्पल फ्रेंड्स, डिस्प्ले में अकाउंट बुक में चलते हैं, केनरा बैंक में चलते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पर एक पेमेंट के वॉचर में, वॉचर टाइप आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है पेमेंट का वॉचर। अगर मैंने यहाँ से ऑल्ट ए को प्रेस किया, देखिए मैं पेमेंट वॉचर में पहुंच चुका हूँ, तो इस तरीके से आप इसका यूज करेंगे। अगेन फ्रेंड्स हम यहाँ पर चलते हैं डिस्प्ले में अकाउंट्स बुक सेल रजिस्टर और हम इसको ओपन कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स जो हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है डुप्लीकेट की। मान लीजिए फ्रेंड्स से एक ही इनवॉइस हमें बार बार बनानी पड़ रही है, मान लेते हैं कि मार्केट ट्विंस प्राइवेट लिमिटेड की हम वापस एक इनवॉइस बना रहे हैं, सारी डिटेल सेम है, बस क्वांटिटी वगैरह की चेंजेस है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे ऑल्ट टू को प्रेस करेंगे, और यहाँ पर आपको से क्या करना है, जो रेफरेंस नंबर है वो चेंज कर लेना है, इसके बाद प्रोडक्ट की डिटेल्स को चेंज कर लेना है, तो क्या होगा कि यहाँ पर आपको और ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेट, रेफरेंस नंबर, इनवॉइस नंबर और क्वांटिटीज वगैरह को आप थोड़ा सा चेंज करेंगे तो आपकी इनवॉइस हो जाती है रेडी। स्किप करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की है फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर कैंसल। व्हाई आर यू कैंसल फ्रेंड्स, हम यहाँ पर जिस एंट्री को भी कैंसिल करना चाहते हैं हम उसको यहाँ पर ऑल्ट एक्स के साथ यहाँ पर शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे, यस करेंगे तो ये हो जाएगा कैंसल। चलिए यस कर देते हैं, तो देखिए ये हो चुका है कैंसल। नाउ फ्रेंड्स सेम चीजें हमें यहाँ पर और भी मिलेगी, हम एंट्री को एंटर करके भी कुछ शॉर्टकट्स आपको मैच ही मिलेंगे एंट्रीज के अंदर, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। ऑल्ट डी,
ऑल्ट इसे क्या डायरेक्टली डिलीट करना है, एक तो आपने सेलेक्ट करके किए थे, आप जिस समय यहाँ पर क्या करेंगे डायरेक्ट भी जिस एंट्री पर आपका कर्सर होगा वो आपसे पूछेगा, अगर आप ऑल्ट के साथ डी को प्रेस करते हो तो पूछता है कि क्या डिलीट करना है, तो बाबा क्यों डिलीट करना है, नहीं करना है तो मत, हम यहाँ पर नहीं करेंगे। अल्टर एंटर करने पे फ्रेंड्स आप अल्टर कर सकते हो, वही शॉर्ट कॉमन सा शॉर्टकट की उसने यहाँ पर हमें दिया है। क्विट कंट्रोल के साथ अगर आप क्यू को प्रेस करते हो तो ये हो जाएगा क्विट, यानी कि ये टैली हो जाएगा और क्लोज, आपको और यहाँ पर स्किप करके कुछ क्लोज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अब भी अगर मैं क्विट करूंगा तो कुछ और ऑप्शन हमारे बाकी है, तो हम बाद में क्विट करते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे फ्रेंड्स और कोई चार शॉर्टकट कीज है जो आपके एंट्री करते समय ही आपके काम में आ जाते हैं, यानी ऑल्ट एक्स आपको कैंसिल करना है, अगेन हमें कैंसिल नहीं करना है, डिलीट करना है ऑल्ट डी के साथ तो हमें यहाँ पर डिलीट भी नहीं करना है। क्या आपको एंट्री एज इट इज एक्सेप्ट करनी है, आपने जितना भी किया है तो वो एक्सेप्ट कर लेगा फ्रेंड्स। इसके बाद फाइनली आपका यहाँ पर एक ऑप्शन बच जाता है क्विट का, तो हम यहाँ पर कंट्रोल क्यू के साथ यहाँ पर क्विट करेंगे।